स्टार्ट। हेलो दोस्तों, अपने लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने रेशियो का पार्ट बी का टाइप टू कवर कर लिया था। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ज़रा इसे बनाइए। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। कह रहा है कि 49 लीटर चीनी तथा पानी का एक घोल है जिसमें चीनी तथा पानी का अनुपात 5:6 है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि देखिए, चीनी और पानी के घोल को क्या कहते हैं? शरबत। इसमें चीनी और पानी का अनुपात बोला है 5:6, यानी 5 लीटर चीनी होगा तो 6 लीटर पानी होगा रेशियो में। या फिर ये 10 लीटर चीनी हो सकता है, 12 लीटर पानी हो सकता है, या फिर 15 लीटर चीनी हो जाएगा, 18 लीटर पानी हो सकता है, कुछ भी हो लेकिन रेशियो में है। इसके बाद कहता है कि इसमें 5 लीटर जो घोल है, घोल मतलब समझ रहे हो ना, शरबत, उसको क्या किया है? पानी से बदल दिया। और पानी से क्यों बदलेगा वो? पानी से बदलने का मतलब हो गया, रिप्लेस करने का मतलब हो गया कि शरबत 5 लीटर पी गया और फिर उसमें पानी 5 लीटर मिला दिया। ऐसा करने से जाहिर से बात है कि अनुपात में बदलाव होगा। तो कह रहा कि तो बताइए कि नए घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा। आप पहले से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें होता है, बस वो उम्मीद है आपने ट्राई किए होंगे। अब देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि जैसे मैं आपको देखिए एक ग्लास में पानी दिखाता हूं। ये ग्लास है, इसमें पानी है और इसी में मैंने थोड़ा सा चीनी मिला लिया, ठीक है, और खूब अच्छे से दोनों को घोल को तैयार कर लिए। अब इसमें मैं मान लीजिए थोड़ा सा पानी पीता हूं, तो देखिए भरा हुआ गिलास था, उसका लेवल क्या हो गया? घट गया। अब वापस मुझे ये लेवल मेंटेन करना है तो मैं क्या करूँगा? इसमें कुछ ना कुछ मिलाऊंगा, फिर से मिला जितना पानी पिया अगर उतना ही मैं इसमें मिला दूँ तो फिर ये लेवल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट मकसद ये नहीं है समझाना, इसका जो मुख्य मकसद है वो समझिए। ये तो समझ में आ रहा है कि सर अगर कोई भी घोल है चीनी और पानी का, अगर उसमें से कुछ भी मात्रा निकालिएगा तो घटेगा, ये पक्का है, और फिर उतना ही मिला दिए तो फिर मेंटेन भी हो जाएगा लेवल। जैसे एक ग्लास पानी था ना, या शरबत कहिए, चीनी और पानी के घोल को शरबत कहते हैं, तो ये जो शरबत है इस शरबत में मैंने इतना पी गया और इतना ही अगर इसमें पानी मिला दूंगा तो ये फिर वापस लेवल मेंटेन हो जाएगा, यानी पूरा गिलास फिर से भर जाएगा। ये मेरा मकसद नहीं है समझाना, इसका मुख्य मकसद ये है कि यदि ये शरबत है, अगर इसमें से हम थोड़ा सा भी पीते हैं, देखिए हाँ मीठा लग रहा है भाई, बढ़िया है, मीठा है, थोड़ा सा पिए, जो मिठास है अगर मैं एक पूरा इतना बाइट पी जाऊँ, मतलब इतना पी जाऊँ पूरा, तब भी उतना ही मीठा लगेगा, या फिर मैं इसको फेंक देता हूँ और फेंक कर जो लास्ट में एक बूंदा होता है ना उसको भी चेक करेंगे, उतना ही मीठा लगेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ सर कि चाहे आप मात्रा भले ही उसमें से निकाल लीजिए, कोई शरबत है चीनी और पानी का घोल का एक शरबत है, उसमें से कोई मात्रा निकाल लीजिए, कोई 2 लीटर, मान लीजिए 10 लीटर का चीनी और पानी का आपका शरबत है, बाल्टी में आप घोर लिए, खूब बढ़िया से उसको मिला लीजिए चीनी और पानी को, 10 लीटर शरबत तैयार है, 10 लीटर उसमें से क्या होगा कि आप कुछ चख कर देखिएगा, ऐसे कहिएगा, दो ही सिचुएशन होता है, ऐसे चख कर देखिएगा, घर पर देखिएगा, माँ लोग चेक करती है, ऐसे चख कर देखिएगा, हाँ हाँ मीठा है, ठीक है। अगर मीठा नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे ताकि मिठास बढ़ जाए, और यदि ज़्यादा मीठा होगा तो कम मीठा करने के लिए फिर उसमें पानी डाल देंगे, यही चीज़ ना करते हैं, मकसद वो नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी मिश्रण है, कोई भी मिश्रण, चीनी और पानी का घोल एक मिश्रण ही है, इसमें से यदि कोई मात्रा निकालते हैं, 10 लीटर चीनी और पानी का घोल है, अगर उसमें से हम मान लीजिए 2 लीटर निकाल देते हैं तो हो जाएगा 8 लीटर, लेकिन मिठास जितना पहले था शरबत का वो अभी भी होगा। मुख्य मकसद ये है मेरा समझाना, समझ में? हाँ, केमिस्ट्री में ऐसा ही एक टर्म है, आप पढ़े होंगे, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन पढ़े थे। अगर पानी जो है, पानी क्या होता है, H2O है, H2O ये था ना, यही है ना H2O, बाकी इसका ये है, तो ये जो पानी है, पानी का ये जो पानी है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अनुपात हैं, ये चाहे तो आप नाले का पानी का ले लीजिए या कहीं और का पानी का ले लीजिए, वो बराबर होता है। यही लॉजिक यहाँ भी है, यही लॉजिक सेम यहाँ पर भी है कि सर देखिए, अगर किसी मिश्रण से कुछ मिश्रण निकालते हैं, यदि किसी मिश्रण से कुछ मिश्रण निकालते हैं
तो मात्रा घट जाएगी लेकिन अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक? तब तक जब तक कि उसमें बाहर से कुछ और न मिलाया जाए या फिर कुछ और मिलाकर छेड़छाड़ न किया जाए। जैसे देखिए, अभी मैंने आपको एक गिलास शरबत दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा क्या है? चीनी और शरबत था। इसमें से थोड़ा सा पी लीजिए। अभी जो इसकी मिठास है, अगर इसको फेंक देंगे और एक बूंदा भी रहेगा ना तो उसको भी चखेंगे तो मिठास में वही फर्क पड़ेगा। फर्क केवल क्वांटिटी घट जाएगी, लेकिन ये तब तक होगा जब तक इसमें बाहर से कुछ और ना मिलाया जाए। जैसे अब ये देखिए शरबत था, मैंने इतना पी गया तो ठीक है, घट गया, सही है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हम बाहर से कुछ मिलाएंगे। दो चीज़ हो सकता है, अगर पानी मिलाएं तो हो सकता है कि ये पंचुछुर हो जाए। नहीं, गाँव में कहते हैं पंचुछुर लगी तो यार ज़्यादा पानी हो गया इसमें। या फिर चीनी मिला दीजिए, तो चीनी मिलाएंगे तो फिर क्या होगा? मात्रा तो खैर मेंटेन हो जाएगा लेकिन हो सकता है ज़्यादा मिठास हो जाए। बात समझ में आए? तो देखिए, आप पहले एक नोट लिखिए, तब मेरी बात कही गई बातें आपको सब समझ में आ जाएगी। एक नोट लिखिए, इसी नोट पर ये डिपेंड होता है और कुछ नहीं है। नोट ये है कि जब किसी मिश्रण से, ठेठ भाषा में पूरा लिख लीजिए, जब किसी मिश्रण से, अब मिश्रण आप समझ रहे हैं, जैसे दूध पानी का मिश्रण हो सकता है, चीनी पानी का मिश्रण हो सकता है, जब किसी मिश्रण से कुछ मात्रा में मिश्रण निकाला जाता है, तो कुल मिश्रण की मात्रा घट जाएगा। जैसे देखिए, अभी मैंने अपने ग्लास में थोड़ा सा पानी पिए तो ग्लास में जो पानी पहले भरा हुआ था, पानी पीते ही थोड़ा सा घट गया। मैंने वही कहा कि जब किसी मिश्रण से कुछ मात्रा में मिश्रण निकाला जाता है तो कुल मिश्रण की मात्रा घट जाएगा, लेकिन उस मिश्रण में मौजूद जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट हैं, जो भी है उसमें, लेकिन उस मिश्रण में मौजूद तत्वों के अनुपात में, लेकिन उस मिश्रण में मौजूद तत्वों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अब मेरे जो उदाहरण जो थोड़ा देर पहले मैंने इतना किया था ना, उसको ज़रा ध्यान रखिएगा। मैंने क्या किया था, एक गिलास में शरबत था, उसमें थोड़ा सा मात्रा पिए तो गिलास में लेवल क्या हो गया पानी का, शरबत का, वो घट गया, वही घट जाएगा। लेकिन उस मिश्रण में मौजूद तत्वों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगला बार भी जैसे घट गया, हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा हम गिरा भी दिए, अब लास्ट बूंद भी बचेगा ना तो उसको भी चखेंगे ना, तो जितना पहले मिठास था शरबत का वो अभी भी होगा। यही मैं बताना चाह रहा था, जो मिठास पहले था वो मिठास अब भी मेंटेन रहेगा। ये तब तक होगी जब तक कि उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, यानी बाहर से कुछ और ना मिलाया जाए। वही चीज़ है कि जब किसी मिश्रण से कुछ मात्रा में मिश्रण निकाला जाता है तो कुल मिश्रण की मात्रा घट जाएगा, लेकिन उस मिश्रण में मौजूद तत्वों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कब तक? अगर ये सवाल है कब तक, तो आंसर होगा जब तक आप उसमें कुछ बाहर से मिला नहीं देते हैं। जैसे ही बाहर से मिलाइएगा ना दोस्त, मिला नहीं देते हैं,
तब वो जो चीनी और पानी का शरबत वाला गिलास याद रखिए। अब मैं जैसे मान लीजिए थोड़ा सा भी पिया था, तो पिया तो जो मिठास था और फिर थोड़ा सा पानी मारे गिरा भी दिए या उसके बाद भी पिया, तो मिठास बरकरार रहेगा तब तक कि जब तक कि बाहर से कुछ और ना मिला दिया। अब मिलाएंगे क्या? दो ही चीज़ तो मिला सकते हैं, चीनी मिला दीजिएगा तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, पानी मिला देंगे तो वो पंचूचू टाइप के लगने लगेगा। तो यही दो चीज़ें होगा ना, यानी अनुपात में क्या हो जाएगी? बदलाव हो जाएंगे। वही आपका सवाल में पूछ रहा है कि वो अनुपात कितना होगा। बात समझ में आया? क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक टाइप फोर है जो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, और वो और शानदार है। तो पहले ये बढ़िया से समझ में आना चाहिए, और उसके लिए मात्र यही एकमात्र नोट आपको ध्यान रखना है कि जब किसी मिश्रण से कुछ मात्रा में मिश्रण निकाला जाता है तो कुल मिश्रण की मात्रा घट जाएगा, लेकिन उस मिश्रण में मौजूद तत्वों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। कब तक? अगर ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हैं कब तक सर, कब तक, तो आंसर आता है जब तक आप उसमें कुछ बाहर से मिला नहीं देते हैं। पानी मिलाइएगा तो पंचूचूर लगेगा, चीनी मिला दीजिएगा तो हो सकता है ज़्यादा और मीठा हो जाए। चलिए अब आइए अपने क्वेश्चन पे और देखिए कितना जल्दी बनेगा। ये तो लिख लिए होंगे, ये नोट लिखा गया ना, तो चलिए मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि 49 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में चीनी तथा पानी का अनुपात 5:6 है। ठीक है, चीनी देखिए, चीनी तथा पानी इनका अनुपात कितना है 49 लीटर के घोल में। अच्छा एक मैं इसको एक पहला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा फिगर से आपको समझा देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए कि 49 लीटर का घोल है, इसमें चीनी है, एस से शुगर कहते हैं, डब्ल्यू से वाटर कहते हैं। तो इसमें चीनी और पानी का अनुपात कितना है? 5:6 है सर। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? फिगर से समझा देते हैं पहला क्वेश्चन में। इसमें 5 लीटर घोल को पानी से बदल दिया गया। इसमें आपने क्या किया? सबसे पहले 5 लीटर घोल निकाला, निकाला तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। घोल का मतलब होता है कि चीनी प्लस पानी का घोल आपने निकाला। तो जैसे ही सर चीनी और पानी का घोल निकाला है, तो आपने नोट्स बताया या हमने फिगर के माध्यम से देखा कि वो जैसे ही ग्लास में हमने शरबत पिया तो मात्रा घट गया, तो कितना निकाला? 5 लीटर। तो अब कितना हो जाएगा? 49 में से 5 लीटर चला गया तो कितना हो जाएगा? 44 लीटर। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे उस गिलास में हमने जब पानी पिया तो ठीक है मात्रा तो घटा, लेकिन उसके बाद कुछ पानी अगर हम गिरा दें या अगला बार फिर से पियेंगे तो मिठास में कोई फर्क नहीं होगा। ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि बाहर से उसमें कुछ और मिला ना दे। यही चीज़ें यहाँ हैं। 49 लीटर में 5 लीटर निकाल दिए तो 44 लीटर बचा, लेकिन चीनी और पानी के अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर पीजिएगा तो मात्रा फिर घट जाएगा, लेकिन अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक इसमें बाहर से कुछ और ना मिला दिया जाए। तो कह रहा कि जानते हैं क्या किए? 5 लीटर इसमें पानी डाल दिया। समझ लीजिए एक बाल्टी है और ये 5 लीटर पानी था, इसमें डाल दिया। तब जैसे ही इसमें मेरे दोस्त 5 लीटर पानी डालेंगे, जैसे ही 5 लीटर पानी डालेंगे तो क्या होगा? चीनी और पानी के अनुपात में फर्क पड़ेगा। चीनी और पानी के अनुपात में फर्क पड़ेगा, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए वो अनुपात क्या है। उम्मीद है आप पूरी बातों को समझ पाए। इतना ही समझाने के लिए मुझे इतना टाइम देना पड़ा। कारण यह है कि इसका अगला जो टाइप फोर जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसको समझने के लिए इतनी बातें क्लियर होना जरूरी है। आपके पूरी तरह से दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब आप कहिएगा कि सर देखिए ना, हम एक काम करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि देखिए इतना बड़ा सवाल है, देखिए मैं चुटकी में बना देता हूँ। ये देखिए सर, चीनी और पानी का अनुपात कितना है? 5:6। इसमें क्या किया है सर? 5 लीटर पानी डाल दिया, तो डाल दिया 5 लीटर, तो अब चीनी और पानी का अनुपात हो जाएगा 5:11। अरे बोलिए। और कह रहा कि हाँ गधा, एकदम मोट प्लेट है का? ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा ना कि रेशियो का आपको बेसिक नहीं पता है। पूरा लेक्चर जाकर पीछे देखिए, मैंने क्या कहा? ये निश्चित मान है, 5 लीटर जो है ये वैल्यू फिक्स्ड है, और इसके साथ किसको जोड़ रहे हैं? रेशियो के टर्म को जोड़ रहे हैं। तो रेशियो के टर्म के साथ किसी निश्चित मान को आप जोड़ सकते हैं?
नहीं ना जोड़िएगा, इसीलिए आप नहीं कर सकते, इसलिए प्रोसेस बिल्कुल ही गलत है। तो आप अपने नोट्स में लिखिएगा और इतना ही इज्जत के साथ काटिएगा। बात समझ में आई? अब देखिए मैं इसका, अब इससे क्या आपको लॉजिक समझ में आया? इससे ये लॉजिक समझ में आया कि एक बार हमको यहाँ से चीनी और पानी का एक्चुअल वैल्यू पता चल जाए, निश्चित मान पता चल जाए, तो निश्चित में निश्चित जोड़ सकते हैं। बात समझ में आई? तो बस वही है, देखिए 44 लीटर है जिसमें 5 और 6 का अनुपात में है, तो यहाँ टोटल शरबत है 44 लीटर यानी शुगर प्लस वाटर, और रेशियो में शुगर प्लस वाटर कितना है 11 लीटर। तुलना कर देंगे, शुगर निकालना है तो 5 से गुना, वाटर निकालना है तो 6 से गुना, और उसके बाद उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि निश्चित में निश्चित तो जोड़ ही सकते हैं, इसीलिए ये काम नहीं कर सकते हैं। और यही बातें छोटी छोटी ना समझाने के लिए इतना मुझे मेहनत करना पड़ा है। अब आइए हम देखिए अपने क्वेश्चन पर कितने आराम से बना लेंगे। सर टोटल था 44 लीटर, रेशियो में शुगर प्लस वाटर है 5 प्लस 6 11 लीटर, शुगर निकालना है तो 5 से गुना, पानी निकालना है तो 6 से गुना, तो शुगर एक्चुअल में हो जाएगा सर 20 लीटर और वाटर हो जाएगा सर आपके पास 24 लीटर। अब इसमें जो जोड़ना है घटाना है करते रहिए। कह रहा है कि 5 लीटर पानी डाल दिए, तो पानी डाल दिए तो 5 लीटर अब आराम से जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं समझ रहे हैं? पहले ये क्यों नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू को रेशियो के टर्म के साथ जोड़ नहीं सकते हैं, ये सब हम बेसिक में जानते हैं। तो वाटर हो जाएगा कितना 29 लीटर। अब निश्चित में है हमारा क्या कि शुगर होगा यानी चीनी होगा 20 लीटर और पानी हो जाएगा 29 लीटर, ये निश्चित में है। और निश्चित मान को रेशियो बनाना तो लास्ट क्लास में ही सिखाए थे, क्या करना होता है, बस दो बूंदा देना होता है और क्या। ये 20 लीटर है और ये 29 लीटर, रेशियो में इतना लीटर, यही क्वेश्चन होगा, यही आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 20 अनुपात 29 कौन है, B4 भागलपुर। देखिए बात समझ में, चलिए एक बार आप, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। बोलिए किसी को दिक्कत है इसमें? एक क्वेश्चन में इतना टाइम दिए क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन अब बहुत आराम से आप आपको समझ में आ जाएगा। बनाइए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बनाइए आप जल्दी से क्योंकि अब इतना टाइम नहीं दूंगा। एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण है, उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी अलग से मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, जल्दी बताइए। इसको भी फिगर से समझा दें। चलिए एक क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझा देता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे वीडियो पॉज करके, तो मैं इसे थोड़ा सा साइड कर देता हूँ छोटा करके। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, फिगर से ही समझा देते हैं। सर कह रहा है कि एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण है, 30 लीटर मिश्रण है, मिश्रण मतलब किसका, दूध M से मिल्क और W से वाटर का। मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:1, यानी 5 लीटर दूध होगा 1 लीटर पानी होगा, या फिर 10 लीटर दूध होगा और 2 लीटर पानी होगा, दो गुना कर देंगे तो, या फिर 50 लीटर दूध होगा और 10 लीटर, कुछ भी होगा लेकिन रेशियो में है, तो 5:1 में है। एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण है, इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाला, मेरे दोस्त इसमें 8 लीटर क्या निकाला, मिश्रण, मिश्रण का मतलब मिल्क प्लस वाटर, तो जाहिर से बात है मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 30 में से 8 लीटर गया तो बचा कितना, 22 लीटर। लेकिन अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, मिठास जो है ना अभी भी बरकरार रहेगा, याद रखिएगा वो उदाहरण चीनी और पानी वाला, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक कि जब तक इसमें बाहर से कुछ और न मिला दिया जाए। और बाहर से देखिए इसने क्या किया, 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी, 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी इसमें क्या कर दिया, मिला दिया, तो बोल रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बिल्कुल बदलेगा, और वही पूछ रहा है कि अनुपात बताइए कितना होगा, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा,
खूब बढ़िया से फिगर लिख लीजिएगा ताकि अब आपको सारे बातें क्लियर हो चुके हैं। अब देखिए, कहिएगा कि सर इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है, टोटल 22 लीटर का था ना सर, टोटल 22। अच्छा ऐसे तो कोई नहीं करेंगे, लगे हाथ फिर से एक बार आपका चेक कर लेते हैं, कोई मूर्खता तो नहीं करिएगा ना, क्योंकि तो बहुत सारे मोट प्लेट यहाँ भरे हुए हैं लड़के। देखिए 5:1 के अनुपात में है, कह रहा है कि इसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी, तो 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8 लीटर और ये हो जाएगा 3 लीटर, तो कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात यही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि रेशियो के साथ किसी निश्चित मान को जोड़ नहीं सकते हैं, ये तरीका गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, अभी तो आप बताए हैं, निश्चित कर लीजिए, निश्चित में निश्चित जोड़ सकते हैं। देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी बातें होती है ये सब जानकारी। तो सर टोटल 22 लीटर है चीनी प्लस सॉरी मिल्क प्लस वाटर, यहाँ टोटल है रेशियो में कितना 6 लीटर, मिल्क निकालना है तो 5 से गुना और वाटर निकालना होगा तो 1 से गुना, तो यहाँ से मिल्क आपका आ जाएगा 2 से 3 मरते और 2 से 11 मरते, तो 11/55/3 मिल्क हो जाएगा इतना लीटर निश्चित में, और वाटर हो जाएगा सर आपका 11/3 लीटर। अरे बोलिए कोई दिक्कत है? अब कहा कि इसमें 3 लीटर दूध मिलाना है, तो एकरा में 3 लीटर दूध मिलाना है, इसमें 3 लीटर दूध मिलाना है तो 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि निश्चित में निश्चित तो जोड़ ही सकते हैं, 3 लीटर दूध मिलाना है तो मिला दीजिए, इसमें कहा कि 2 लीटर पानी मिलाना है तो मिला दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये दरअसल देखो किसी को अगर जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो समझ लीजिए 55/3 + 3 ये जोड़ नहीं सकते हो, 1 और 3 का लघुत्तम 3, इससे भाग लगाओगे 1 मरते, इसमें गुना करोगे 55 × 1 55 ही हो जाएगा, इसमें भाग लगाओगे 3 में तो 3 और 3 × 3 = 9, तो 55 + 9 कितना हो जाएगा 55 × 5 = 60 और 3 = 63। कितना हो जाएगा 64 ना, 64 नीचे कितना आ जाएगा 3, और इसमें ज़रा बताइए 11/3 + 3 ये कितना आ जाएगा, हाँ 3, ये सब आना चाहिए ना, ये छोटे छोटे चीज़ है 11 + 9। अरे जब तक मैं वैदिक मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ कम से कम इतना तो बात पता है ना, थोड़ा टाइम लगेगा ही ना, लेकिन जानिए तो सही, बाद में हम लोग कैलकुलेशन पे काम करेंगे। तो 11 + 9 कितना हो जाएगा 20 20/3, तो सर हो गया हमारा आंसर, कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात, तो निकाल लीजिए दूध हमारा निश्चित में आ गया 64/3 लीटर और पानी हो गया 20/3 लीटर। किसी भी निश्चित मान को रेशियो में बनाना बड़ी आसान होता है, बस 2 बूंदा देना होता है, और किसी भी रेशियो को निश्चित मान बनाना हो तो 2 बूंदा हटा दें नहीं, एक्स वाई जेड से गुना करना होता है, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मेरे भाई। ठीक है, क्या दिक्कत है? आंसर क्या बोले? कहां पर एरर है? क्वेश्चन सही है, कहां अच्छा यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक 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 सॉरी ये थोड़ा सा ध्यान से भटक गया, ये 2 ही लीटर है ना, 2 3 × 6 = 11 6 = 17 11 6 = 17 17/3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 17/3 और 3 कट ही जाएगा, तो आपका रिजल्ट हुआ 64/17। हाँ यहाँ 2 लीटर ही जोड़ा गया था ना, ये हो जाएगा 64/17। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये सब छोटी छोटी बातें ना, ये क्लियर करने के लिए इतना मुझे बोलना पड़ा था। अब अगले क्वेश्चन को आप आराम से बना, ये टाइप में क्लियर नहीं, कोई दिक्कत है? चलिए बढ़िया है, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसमें एक टाइप क्वेश्चन और बनता है, बस बनाइए, देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। स्टार्ट करें, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि शराब और जल, शराब और जल का तो बहुत अच्छी दोस्ती है, दारू और पानी,
शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। तो जल और शराब, जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। तो जल अगर 1 लीटर है तो शराब कितना हो जाएगा? 5 लीटर। और कह रहा है हाँ, इसीलिए ना इतना बेसिक में पढ़ाया था। किस दिन के लिए पढ़ाया था? हाँ बिल्कुल, रेशियो गुना या भाग को बताता है मेरे दोस्त, अधिक या कम को नहीं। ये रेशियो आप कैसे लिख दिए? इसी दिन के लिए इतना बेसिक पढ़ाया था। रेशियो गुना या भाग को बताता है, अधिक या कम को नहीं। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? बेसिक से बनाइए। जल है और शराब है। क्वेश्चन कहता है कि शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। अगर जल x लीटर होगा, जल अगर x लीटर होगा तो शराब हो जाएगा x प्लस 5 लीटर। और टोटल कह रहा है कि कितना लीटर है? 55 लीटर। हमारे अनुसार टोटल कितना लीटर है? x प्लस 5। जल हुआ 1 लीटर और शराब हुआ x प्लस 5 लीटर, तो टोटल हो जाएगा 2x प्लस 5 लीटर हमारे अनुसार। और प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि ये 55 लीटर है, इसलिए बीच में आ गया बराबर का साइन। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा, 55 में से 5 गया तो 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x का मान कितना आ जाएगा? 25। x का मान यदि 25 आ गया तो आप निश्चित में आप बता सकते हैं कि जल कितना होगा आपके पास? 25 लीटर, क्योंकि x का मान है जल। और शराब कितना हो जाएगा? 5 लीटर अधिक है, यानी 25 प्लस 5 30 लीटर। अब क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है तो मिश्रण में जल और शराब का अनुपात क्या? 5 लीटर क्या मिलाया गया है? जल मिलाया गया है, तो निश्चित में निश्चित जोड़ दीजिए। 5 लीटर इसमें जल मिलाइएगा तो 5 लीटर जल मिला दीजिए। 5 लीटर जल मिलाइएगा तो 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा? जल भी हो जाएगा 30 लीटर। और इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा जल और शराब का अनुपात पूछ रहा है ना, जल और शराब का अनुपात। तो जल हो जाएंगे 30 लीटर, शराब भी हो जाएंगे 30 लीटर, अनुपात में हो जाएगा 1:1, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने जो इतना ज़्यादा आपको बेसिक्स पढ़ाया था उसका कारण यही था, क्योंकि आप आत्मनिर्भर बने। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो निश्चित करके बना लिए, एक्स करके बना लिए, और आप सोचते रह गए, रट गए कि ऐसे क्वेश्चन को एक्स से करके हम बनाते हैं। ये गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसे एक्स करके क्यों बनाएंगे, क्योंकि मैंने परिभाषा आपको बताया है कि रेशियो गुना या भाग को बताता है, अधिक या कम को नहीं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना रेशियो गलत है, और जहाँ रेशियो नहीं लिख सकते वहाँ बेसिक से बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आपको ये अब समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से कि कहाँ पर हमें निश्चित करके बनाना है और कहाँ पर हमें रेशियो लिख कर बनाना है। बात समझ में आई? इसीलिए इतना मेहनत किया गया है। तो उम्मीद है ये टाइप होगा, क्योंकि अगला साइड टाइप चेंज हो जाएगा। हाँ, ये अगला नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब ये जो मैंने अभी टाइप 3 आपको पढ़ाया ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पार्ट बी का, आप जाकर जरूर देखिए। अगर टाइप 3 आपको पता है तो टाइप 4 आपसे बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा, ठीक है? चलिए, जय हिंद।